सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एमएस वर्ड पे कोई सैलरी बनाते हैं किसी चीज की, या कोई भी अगर हम जो है काउंटिंग में नंबर लेते हैं, तो उसको जो है हम जो हमारे काउंटिंग में वर्ड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के जो वर्ड होते हैं, या जैसे हम किसी की सैलरी बनाते हैं 15,000 16,000 20,000 22,000, तो उसको काउंटिंग वाले वर्ड को जो है हम एमएस वर्ड के अंदर, जो हमारा ऑफिस है उसमें एमएस वर्ड के अंदर हम जो है काउंटिंग वाले वर्ड को एबीसीडी यानी अल्फाबेट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो दूसरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब का चैनल टेक भी सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। कोई भी वर्जन है एमएस वर्ड का, आपके पास 2007 2013 2016 2015 जो भी है, आपके पास 2019, सबका तरीका है, सबका मेथड जो है नहीं है, ठीक है। तो आप अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18,000, ठीक है। ये 18,000 हमने लिख लिया, मैं आपको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने लिख लिया 18,000, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास पूरी शीट में बहुत सारे वर्कर्स के नाम लिखे, उनके डेजिग्नेशन और उसके आगे सैलरी वगैरह जो भी है वो सब हमारी लिखी हुई है। अब इतने सारे वर्करों में से, इतने सारे जो हमारे पास बंदे के नाम लिखे हुए, सब में से अगर हम एक कह रखे सबको, सबकी सैलरी को जो है अगर हमने अल्फाबेट में लिखी हुई इंग्लिश के वर्ड में लिखे तो हमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसका एक शॉर्ट मेथड भी इसका ये होता है कि जो सैलरी हमारी लिखी हुई है उसको आपने जो है अगर आप काउंटिंग अल्फाबेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्ट मेथड भी ये होता है कि आपकी जो सैलरी लिखी हुई, जितनी भी आपकी अमाउंट लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सामने लिखी 18,000 रुपए, तो आपने जो है ये करना है कंट्रोल ए दबा के पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आप इसको जो है माउस से इस तरह से कर सकते हैं पूरा ड्रैग करके, इसको आपने पहले सिलेक्ट लाजमी करना है, वरना ये आपका शॉर्टकट तरीका ये अप्लाई नहीं है, ठीक है। आपने जो है आप इसको पहले कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने दबाना है कंट्रोल F9, अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल F9 दबाना है। F9 फंक्शन की हमारी होती है F1 F2 वाली है, तो जब कंट्रोल प्रेस करके F9 दबाएंगे तो जो है आपके पास कुछ इस तरह से ब्रैकेट बने हुए आ जाएंगे। आपने जो है वैल्यू से पहले ग्राफ की अमाउंट लिखी हुई, जितनी भी काउंटिंग के नंबर है, उससे पहले जो है आपने अपने कीबोर्ड से लगाना है इक्वल, इक्वल लगाने के बाद जो है आपने आ जाना है अपने अमाउंट के सबसे लास्ट में, आपके अमाउंट है उसके बाद जो सबसे आखिरी का नंबर है उस आखिरी के नंबर के बाद आपने जो है लगानी है उसके बाद बैक स्लैश ये वाली होती है, एक स्लैश होती है ये वाली, ये स्लैश नहीं लगानी आपने, आपने लगानी है ये वाली स्लैश, ऐसे देख रहे हैं ये वाली स्लैश लगानी है, दूसरी स्लैश लगाएंगे आप जो स्लैश होती है वो वर्क नहीं करेगी, आपने जो है बैक स्लैश लगानी है। बैक स्लैश लगाने के बाद आपने यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई, कीबोर्ड से अपने मल्टीप्लाई में इसको आप स्टार भी बोल सकते हैं या मल्टीप्लाई भी बोलिए आप इसको। बैक स्लैश लगाने के बाद स्टार लगाने, स्टार लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कार्ड टैक्स, इस तरह से जो है आपने कार्ड टैक्स लिखना है। कार्ड टैक्स लिखने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है, कोई शिफ्ट कोई कंट्रोल कुछ नहीं प्रेस करना, सिर्फ आपने जस्ट अपने कीबोर्ड से F9 जो फंक्शनल की हमारी वहां प्रेस करना है। और वो यहाँ पे देखते हैं हमारी वहाँ पे अमाउंट लिखी थी 18,000 रुपए 18,000, तो यहाँ पे हमारी वही अमाउंट इंग्लिश के अंदर लिखी आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय की आपके पास सैलरी लिखी हुई है अमाउंट की, तो उसको जो है आप एक ही कुछ ही सेकंड के अंदर जो है पूरी कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर आप इसको अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपने वैल्यू चेंज करनी है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड शिफ्ट प्रेस कर दिया अपना और F9 दबाना है। तो इस तरह से जो है आप अपने जो जिस काम में आपको जो है काफी देर लगेगी, आधा घंटा एक घंटा लगेगा, उस काम को जो है मुश्किल से 40 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो ये था अपनी अपनी काउंटिंग वाली अमाउंट को जो है अल्फाबेट में कन्वर्ट करने का तरीका। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आज की वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों आपको जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।